फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम SA1 2022-23 क्लास 8th जनरल साइंस का पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चन पेपर देखने वाले क्लास 8th का। सो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको क्लास 8th का SA1 असेसमेंट भी बताने वाली हूँ, उसके आंसर की भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप आंसर की के लिए गूगल पर सर्च कर लेंगे www.arfindia.com, जहाँ पर आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी गई। ओके, किस प्रकार से डाउनलोड करना है PDF, इसको आपको आगे वीडियो में बताया गया है। पार्ट ए फिजिकल साइंस का आपका पेपर होने वाला है। चलिए फर्स्ट सेक्शन ये देख लेते हैं। आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। ठीक है, फर्स्ट है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉसेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPG एंड CNG। सो यहाँ पर आप LPG का क्या लिख देंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आपको लिख देना है यहाँ पर। और सो यहाँ पर आपको LPG का फुल फॉर्म लिख लेना है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एंड CNG का हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ट बाय एक्सहॉसिबल एंड इनहॉक्सिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आपको बताना है। राइट टू डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स के दो हानि आपको लिखना है, प्लास्टिक से होने वाली आपको कोई भी दो हानि लिखना है। ठीक है, उसके बाद में है डिफाइन द फॉलोविंग टर्म्स। ठीक है, इसको आपको जो है फॉलोविंग टर्म्स में डिफाइन करना है। पहला है एम्पटीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दोनों को ही डिफाइन करना है। और जितने भी स्टूडेंट्स चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, व्हाट इज HR प्रिंसिपल यहाँ पर आपको पूछा है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाइड द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है इनके पार्ट को जो वाइब्रेट करते हो, प्रोड्यूस साउंड करते हो, किसमें, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में। ढोलक किस प्रकार से बजता है, सितार। ठीक है, इसके बाद आपको दो ही है, ABCD है, आपको इनके पार्ट निकला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, टेबल को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आंसर इसमें फिलअप है, आप इसको फिल भी कर सकते हो। फर्स्ट है पेट बॉटल। ठीक है, कैन बाय रिसाइकल, क्या पेट बॉटल रिसाइकल्ड हो जाती है, और थर्मोप्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग होती है, इनमें दिए हैं थर्मोप्लास्टिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से आप इसको मैच भी कर सकते हो, क्या ये रिसाइकल्ड होती है, तो यस। और इलेक्ट्रिक स्विच, क्या ये रिसाइकल है, तो नहीं। कंप्यूटर की भी रिसाइकल नहीं होती है, पॉलीथीन बैग्स तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये सब किसके डिफाइन में आते हैं, आपको इसको मैच भी करना है। जैसे पेट बॉटल है वो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और इलेक्ट्रिक स्विच जो है वो थर्मोप्लास्टिक है, कंप्यूटर की थर्मोप्लास्टिक है, और जबकि पॉलीथीन बैग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, ये आपको मैच कर लेना है, इसमें दिया है आंसर, आप इसको टिक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेम द आर्टिकल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, जो रिसाइकल्ड नहीं है उनके नाम लिखना है। और विच आर द थर्मोप्लास्टिक बट नॉट बी रिसाइकल्ड, इनमें से कौन सा ऐसा है जो थर्मोप्लास्टिक है और क्या है रिसाइकल नहीं है। सो ये है पॉलीथीन बैग, आंसर आप लिख लीजिएगा पॉलीथीन बैग। विच आर द थर्मोप्लास्टिक बट कैन बी रिसाइकल्ड। ठीक है, और ऐसा थर्मोप्लास्टिक क्या है जो रिसाइकल है, तो वो है पेट बॉटल। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका आंसर ये वाला पेट बॉटल। उसके बाद है विच आर थर्मोसेटिंग बट नॉट टोब रिसाइकल। ठीक है, विच आर थर्मोसेटिंग मतलब ऐसा कौन सा थर्मोसेटिंग है जो रिसाइकल नहीं है। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग बट नॉट टोब, इनमें से आपको एक जो है आंसर लिखना है। ठीक है, ये हो जाएगा सेक्शन नंबर 3 है आपका। सेक्शन नंबर 3 आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 4 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन नंबर 3 में आपको आंसर देना है। विच आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, राइट द डिफरेंस टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में देना है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ईयर एंड लेबल द पार्ट्स। ठीक है, आपको पार्ट्स के नाम भी लिखना है और ह्यूमन ईयर कान का जो चित्र बनाना है। और उसके बाद है आपका सेक्शन नंबर 4, इट क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स। ठीक है, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फो, इन लिस्ट एनी 4 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है, आपको 4 मेथड्स लिखना है। सजेस्ट एन एक्टिविटी टू शो दैट नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर।
स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्गर होता है क्या नायलॉन का वायर, तो इस पे सजेस्ट करना है एक्टिविटी आपको, ठीक है, शो भी करना है, एक्सप्लेन करना है आपको द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, लिस्ट द डिफरेंट कंस्टिट्यूमेंट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, कंप्यूट उसका आपको अथवा में भी क्वेश्चन है, पेंडुलम ऑक्सीलेट्स 40 times इन 4 seconds, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना है, और इसमें ही बी पार्ट्स है, तो ये जो है इसका और में क्वेश्चन आपको इसी के और में भी एक क्वेश्चन है, तो आप इसी को इस प्रकार से भी कर सकते हो, ठीक है, जो ये आपको दिया है ये पेंडुलम के बारे में 2 questions है समथिंग, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया section 4 तक का हमने देखा, class 8th का जनरल साइंस का, ठीक है, मैंने आपको इसमें बहुत से आंसर भी बताया, फिजिकल साइंस का पूरा पेपर देखा हमने, part number 1, paper numbers 1st and 2nd, वीडियोस को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, आंसर की के लिए गूगल पर सर्च कर लीजिए www.arfindia.com, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई, सो मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको बता देती हूँ हैप्पी अर्ली के सारे विषयों की कक्षा 9वीं से 12वीं की सिलेबस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको गूगल पे आ जाना है, यहाँ पर टाइप करना है हैप्पी अर्ली सिलेबस 2022-23 arfindia.com, ठीक है, कोई भी क्लास को आप यहाँ पर डाल सकते हो, तो आप जैसे ही डालोगे और सर्च करोगे क्लिक कर देना, ठीक है, तो देखिए एमपी बोर्ड हैप्पी अर्ली सिलेबस 2022-23 पूरा आपको टाइम टेबल के साथ साथ में जो सिलेबस है ना सभी कक्षाओं का वो यहाँ पर अपलोड है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और जिस भी विषय का जिस भी कक्षाओं का आपको चाहिए उस पर क्लिक करके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, सभी क्लासेस के आपको इसमें सिलेबस मिल जाएंगे, तो फटाफट से सिलेबस की पीडीएफ जल्दी से डाउनलोड